अच्छा, अब क्या होता है, जब भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है और टेबल बनानी पड़ती है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं, टेबल को रटते हैं कि ये क्या है, उसके बाद क्या लिखा था, और उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद क्या था। सो ऐसे टेबल को रटते हैं और फिर उसको बताना शुरू करते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल को रटने वाले नहीं है, हम इन मेथड्स के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उन फॉर्मूलेस को हम याद करेंगे और उन फॉर्मूलेस के बेस पर यहां पर कौन सा नया कॉलम ऐड करेंगे वो सीखेंगे। सो इतनी लंबी टेबल जो मैंने कहा 8 कॉलम्स आएंगे, उसको याद करना इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद किसका था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बार अगर हम इन फॉर्मूले से उसको टेबल को इंसर्ट करना सीख जाए, कौन सा कॉलम आएगा, क्या मेथड आएगा, सो वो अगर हम एक बार सीख जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए आसान होने वाला है स्टैटिस्टिक्स।